नमस्कार दोस्तों, नई उम्मीद नए विश्वास के साथ मैं मंजू तिवारी एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी एक न्यू वीडियो में। और आज मैं दोपहर के करेक्ट 12 बज रहे हैं जबकि मैं जा रही हूँ और हमारी सवारी है साइकिल की। तो पिताजी की गाड़ी जो है तिवारी जी नहीं चलाते हैं, जो है हम लोग साइकिल से जा रहे हैं चौराहे तक। और अच्छा भी लगता है, वैसे मैं साइकिल पर नहीं बैठती हूँ लेकिन तिवारी जी के साथ बैठ गई हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम है, नहीं तो हम दोनों जहाँ भी जाते हैं तो चौराहे तक पैदल ही जाते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छा लगता है हम लोगों को जो है। तो बस इसके बाद हम चल रहे हैं चौराहे पर। प्लीज़ आप लोग वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो कैसी है, दरअसल में आपको बता दें हमारे दांत का जो है कैप निकल गया है और इसके साथ एक काम और है जो कि हमें और तिवारी जी को दूसरा टीका लगवाना है। तो इसके लिए बोले कि अब काम मतलब ये समझ लीजिए इनको जाना है तो एक ना एक दिन करके फटाफट से ये काम हो जाए वो काम हो जाए, यही सब कुछ चल रहा है। दिन भर में एक भी बार फुर्सत नहीं मिलती कि मैं आप सबका रिप्लाई कर दूं या क्या करूं क्या ना करूं, बहुत ज़्यादा टाइम बिजी चल रहा है इस टाइम जो है। एक तो खेतीबाड़ी का काम, दिन भी छोटा होता है, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, मैं हंस रही हूं, मुझे हंसी आ रही है जो है। लेकिन रास्ते का व्यू मैं अक्सर दिखाती हूँ, कहीं ना कहीं रास्ते चेंज हो जाते हैं। ये देखिए मैं हूँ हॉस्पिटल में टीका लगवाने के बाद। यहाँ जो है आशा बहू ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है अपनी सैलरी वगैरह बढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर लिया है अस्पताल का। बाहर जो है बैठी हुई हैं ये लोग। बस इसके बाद हम लोग चल रहे हैं दांत वाले डॉक्टर के यहाँ, और जहाँ मैं अपने दांत की कैप लेके आई हूँ उसको लगवाना है हमको, क्योंकि जो है नहीं तो वो दो चार दिन में कचरा अगर आपके दांत में फंस गया तो सड़ जाता है। देखिए यहाँ भैया हैं, सुदर्शन भैया यहाँ पे रहते हैं, जो भी काम रहता है यही आके तुरंत टीका लगवा दिए, टाइम भी नहीं लगा हमको, कोई दिक्कत नहीं हुई। और कुछ ना कुछ मैं बात कर रही हूँ उनसे, हम हैं देखिए तिवारी जी हैं जो है। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधा आपको मिलेंगे दांत वाले डॉक्टर के यहाँ। पर्सनल डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे हैं उनके यहाँ। मैं अपना अपनी अम्मा का या दांत का किसी का भी तो यही सिलेक्शन में देती हूँ क्योंकि इनके यहाँ दांत का बहुत ही अच्छे से इलाज हो पाता है जो है। ऐसा नहीं है, दांत का इलाज इनके यहाँ बहुत बढ़िया होता है। तो हम तो भैया यहीं आते हैं, लम्बुआ में ही है अस्पताल के जो है थोड़ी दूर पर पहले, यानी अगर इधर साइड से जाते हो तो भैया मैं यहाँ पर पहुँचूँ ना, तो किसी का दांत जो है निकाले हैं, उनका कैप लगा रहे हैं। तो बोले कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए कुछ टाइम तक बैठ करके। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। यहाँ पर देखिए तिवारी जी बैठे हुए अपना मोबाइल चला रहे हैं। और दांत के माने में मतलब अब मैं क्या कहूँ कि एकदम स्पेशलिस्ट हैं हमारी अम्मा का, पूरा दांत जितना है सब में कैप इन्होंने ही लगाया हुआ था जो है। और देखिए तिवारी जी मोबाइल में मस्त हैं एकदम से, मोबाइल उनको मिली नहीं कि अपना क्या बोलते हैं क्रिकेट वगैरह या समाचार कुछ ना कुछ देखने लगते हैं चीज़ें। तो बस मैंने थोड़ा सोचा पहली बार आए हैं, वैसे मैं कई बार आ चुकी हूँ लेकिन शेयर नहीं किया था, हमने कहा थोड़ा सा डॉक्टर भाई का भी क्लिप शेयर कर दें इनके यहाँ। और अच्छा इलाज होता है दांतों का, अगर आपका कहीं से भी दांत टूटा हो या सड़ा हो या कोई भी दिक्कत हो तो जो है इलाज बढ़िया से होता है, कंप्लीट और पूरी बात आपको समझाएंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जो ना समझ सकते हो वो भी समझ जाएंगे डॉक्टर साहब की बातों से, क्या कैसे कैसे नहीं है। और कंप्लीट इनकी इनके किए हुए कामों की इनकी पूरी गारंटी रहती है जो। अब इसके बाद देखिए सीट एकदम खाली है तो मैं बस बुला रहे हैं मुझको, मैं चल रही हूँ अपना दांत का कैप जो है मुझे लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा कैप जो है लग चुका है, मैंने दांत को अपने दबा के रखा हुआ है ताकि गैप मैंने एरर ना ले ले और कुछ ना इसमें बैठ जाए कचरा। तो बाबू का कुछ चीज़ रह गया था जो कि आया हुआ, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ मैं आप सबको दिखाऊंगी, प्लीज़ रिक्वेस्ट। हाय एवरीवन, देखिए बाबू का मेज बन के आ गया है, इसके चक्कर में इसने पूरा एकदम मारा था, मेरी हालत ख़राब करके रखा हुआ था। 2 घंटे बाप और बेटा बैठ के इसको बनवाए हैं। अब अम्मा ने यहाँ पर सेट कर दिया इनको पढ़ने के लिए, और देखिए बैठा है बहुत खुश लग रहा है। ये मेरा कुत्ता चलते हैं किचन में सब्जी बनाना है हमको। देखिए कैसे अपना तैयारी किया हुआ है, यहाँ पर बैग रखा है, इसका शौक जो है ना बहुत बड़ा है। सो हाय एवरीवन, आ गए हैं अपने किचन में, अम्मा काट रही है सब्जी और क्या कुछ लेके आए हैं दिखाते हैं आप सबको। बहुत परेशान हो गए, पूरा सब्जी लाए हैं, ये तो पत्ता गोभी है और धनिया मन का,
इसमें है टमाटर और बैंगन। हमको लगा था कम तब ले रहे हैं बैगन। जब मैं जाती हूँ बाजार तो बैगन और कोहरा हमारी अम्मा बहुत पसंद लेके आती हूँ। टमाटर है, पत्ता गोभी है और क्या लेके आए हैं, कटिया वाली मतलब कटीली बोलते हैं पालक है लेके आए हैं पैसा बनाने के लिए जी। मतलब दाल जो है बहुत अच्छी बनती है। देखिए इसको खोल के रखना है यार, ठंड बहुत पड़ रही है, सामान उठ के बैठे हुए हैं। देखिए दिवाली पालक अच्छी होती है दाल बनाने के लिए, पालक है सोया है, इसको दूसरी जगह रखेंगे। मसाला ही क्या होता है। और ये लेके आए 2 किलो गुड़, फिर भी अब तिवारी जी को है जाना तो थोड़ा तिलवा वगैरह बना देंगे ले जाने के लिए। वहाँ पर हमारे 2 देवर हैं, देवरानी हैं, सबको खाने के लिए सामान कुछ ना कुछ बना के देते हैं घर से। और सबसे ज़रूरी चीज़ इम्पोर्टेंट है, हमारी अम्मा का बिछिया टूट गया था वो लेके आए हुए हैं, उसको दिखाते हैं आप लोग को। इसके बाद ब्लॉग कर देंगे क्योंकि सब चीज़ कुछ नहीं दिखाएंगे, अगर बड़ा हो जाएगा आप लोग बोलोगे कि बड़ा हो गया, देखो कितनी अच्छी पर्स है छोटी सी, बहुत अच्छी लग रही है। अम्मा हमारा ये अम्मा जो है हमारी ना एक ही पहनती थी सिंगल एक उंगली में, बस वही आया है, इतना महंगा है ना सच में। ये देखिए अम्मा के लिए लेके आए हैं बिछिया, देखिए अच्छा लग रहा है हमको, तब अम्मा को पसंद आ जाए तो समझिए सही है। बस और तो कुछ नहीं लेके आए हैं शायद। ये है 250 ग्राम मेथी और ये है 1/2 किलो तीखू, 1/2 किलो पहले का है, दवा बनाएंगे एक जो है उसका भी अलग से शेयर करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं ब्लॉग हमारा आप सबको पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आ जाए तो हमारी वीडियो को प्यारा सा लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करें। जो भी भाई बहन न्यू आते हो आप लोग सब्सक्राइब करना, मंजू यूपी ब्लॉग वीडियो के चक्कर में हमारे दोस्त भूल जाते हैं हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ आप लोग हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने ग्रुप में शेयर करें, और आप किसी भी तरीके की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से पाना चाहते हैं जैसे दवा से या कोई छोटी मोटी बीमारी हो खरखुदवा दवा जो देती होती है या और भी कोई चीज़ पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ भी तरह की जानकारी आप पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। शाम के खाने में बनाएंगे आलू और बैंगन की सब्जी, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय गुड नाइट। अब अम्मा काट रही हैं सब्जी, यही आलू बैंगन की सब्जी बनाएंगे, तो सब्जी जी मतलब सब कुछ अम्मा काफ़ी हमारी हेल्प करती हैं आप सबको पता है। और कई लोगों का कमेंट भी रहता है कि दी आपकी सास बहुत अच्छी हैं, बहुत आपकी हेल्प करती हैं, सच में अच्छी हैं, मतलब कहने की तारीफ क्या करें, सब कुछ सही ही है। भाभी प्यारी अम्मा बहुत ही अच्छी हैं, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।